हाउ टू फाइंड बेस्ट टॉपिक्स फॉर ब्लॉगिंग इन 2023। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि हाई सीपीसी कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं जिनके ऊपर कंपटीशन भी लो हो और ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही हो। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ टॉपिक शेयर करने वाला हूं जिसकी कीवर्ड डेंसिटी भी कम हो और उसके ऊपर आपको सीपीसी भी अच्छा मिले। जब ये दोनों चीजें अच्छी मिलती हैं तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बस ये दोनों चीजें अगर आपको अच्छी मिलती हैं तो उसको शुरू कर लें। मैं तीसरी बात ये कहता हूं कि अगर इन दोनों के साथ साथ तीसरी चीज जिसमें आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएं, ऐसे टॉपिक्स मिल जाएं, पेड गेस्ट पोस्टिंग मिलने के भी आपको चांसेस सबसे ज्यादा हो, तो मैं कहता हूं कि ये दो अर्निंग के ऊपर तीसरी अर्निंग भी आपके इनकम स्ट्रीम में शामिल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल, आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ब्लॉगिंग के सीरीज में आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स देने वाला हूं कि जिनके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा कम होगी और ऐसे कीवर्ड्स या ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा, लोग उनके ऊपर कंटेंट को पढ़ना पसंद करते हैं जिससे आप अपने एडसेंस की अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स दूंगा कि जिनकी सीपीसी तो ज्यादा होगी, जिनके ऊपर एडसेंस की अर्निंग ज्यादा तो होगी, लेकिन क्या ही अच्छा होगा कि आपको कुछ दूसरे ऐसे इनकम स्ट्रीम भी इसके साथ मिलना शुरू हो जाए कि जिससे आपकी अर्निंग डबल हो जाए। मिसाल के तौर पर आप गूगल एडसेंस से आप $100 कमाते हैं, तो ऐसे कीवर्ड या ऐसे टॉपिक्स को आप अपने इस ब्लॉगिंग में शामिल करें कि जिससे आपको गेस्ट पोस्टिंग भी मिलना शुरू हो जाए पेड। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको मंथली 10 गेस्ट पोस्टिंग भी मिल जाती है तो आप पर गेस्ट पोस्ट आप अगर $20 भी चार्ज करते हैं तो $100 तो गेस्ट पोस्टिंग से आ गई, तो दो इनकम स्ट्रीम्स हो गई। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की से भी कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो इससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया हूं कि जो मल्टीपल तरीकों से इनकम जनरेट करने के लिए हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर सीपीसी बहुत ज्यादा हाई है, कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा कम है। अगर आप इसके एक्सपर्ट से आप जानने की कोशिश करेंगे तो अभी इसके ऊपर इतना कंटेंट पब्लिश हुआ है कि ये लेवल वन पे है, मतलब अभी इसकी शुरुआत है। अगर आप इसके ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप मार्केट शेयर के ऊपर बना रहे हैं, आप ट्रेडिंग के ऊपर बना रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बना रहे हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर बना रहे हैं, NFTs के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बना रहे हैं, रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर बना रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा अर्निंग होने वाली है। इसके ऊपर पेड गेस्ट पोस्टिंग भी बहुत ज्यादा आपको मिलती है, तो आप इस टॉपिक को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक को भी अगर आप टारगेट करते हैं ना, इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम के अंदर भी एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएशन, पोस्ट डिजाइन, तो इसको भी आप बहुत सारे अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आप डिफरेंट कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हैं। जो भी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग में वो सारी इस वक्त ट्रेंडिंग पे है। इसके ऊपर आपको गेस्ट पोस्ट भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम्स भी आप बहुत सारे ज्वाइन करके यहां से अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आपका ब्लॉग एडसेंस से अप्रूव्ड है तो आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख के एडसेंस से भी कमा सकते हैं। तो तीन इनकम स्ट्रीम आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं, ठीक है। न्यूज चैनल के ऊपर आप लोग अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। न्यूज चैनल के ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी न्यूज आपको मिल रही है, किसी भी एक न्यूज चैनल को फॉलो करें, उस चैनल के ऊपर जो न्यूज आपको मिल रही है उसके ऊपर आप अपने कॉन्टेंट को बनाएं, ठीक है। उर्दू में एक न्यूज पब्लिश हो चुकी है, उसकी वीडियो आ चुकी है, उस वीडियो को आप कंटेंट में फौरन से आप पब्लिश करें और देखें आपको कितने व्यूज मिलते हैं। गूगल न्यूज के ऊपर आप अगर अप्रूवल ले लेते हैं तो डबल आपको इसकी अर्निंग होती है, और अगर साथ साथ आप वेब स्टोरीज भी बनाते हैं तो क्या ही बात है। वेब स्टोरीज के ऊपर मैंने प्रॉपर सीरीज बनाई है, यहां पर एक वीडियो के अंदर मुकम्मल आपको इस टॉपिक को कवर किया है, क्योंकि गूगल का नया फीचर है, जब भी गूगल का कोई नया फीचर आता है वहां पर आपको ट्रैफिक भर के देता है। तो ये वेब स्टोरीज के ऊपर आपको मैंने लिंक दिया है, इसको आप देख सकते हैं। ब्लॉगिंग के ऊपर वेब स्टोरीज को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और यहां से भी आप अपनी अर्निंग को डबल कर सकते हैं और ट्रैफिक को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है फैक्ट्स के ऊपर। फैक्ट्स के ऊपर अगर आप दुनिया के फैक्ट्स के ऊपर आप अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो इसके ऊपर भी आपको बहुत अच्छा सीपीसी मिलता है और इसके ऊपर ट्रैफिक भी बहुत सारी मिलती है। अगर आपका कोई चैनल है तो आप उसके वीडियोज को भी यहां पर आप इम्बेड कर सकते हैं, या अगर आप ज्यादा बाउंस रेट को कम करना चाहते हैं तो आप यहां पर दूसरे जो फैक्ट्स के ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियोज हैं वहां के वीडियोज को लाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग के अंदर आप ऐड करेंगे, इम्बेड करेंगे, तो लोग आपके वेबसाइट के ऊपर ही देखना शुरू करेंगे, तो आपके वेबसाइट के ऊपर लोग ज्यादा देर तक
ठहरेंगे और यूं बाउंस रेट आपका बहुत कम मिलेगा और इस तरह आपको हाई सीपीसी मिलेगा, आपकी अर्निंग डबल होगी। आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं बिजनेस आइडिया के ऊपर, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं बिजनेस आइडियाज के ऊपर, डिफरेंट आइडियाज को आप शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट अर्निंग मैकेनिज्म को आप शेयर कर सकते हैं अपने ब्लॉगिंग की मदद से और यूं आप अपने ब्लॉगिंग से एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। थर्ड, बिजनेस प्रमोशंस के ऊपर है। प्रमोशंस के लिए आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से लिख सकते हैं, प्रमोशनल ऑटोमेशन टूल्स के हवाले से लिख सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग टूल्स के हवाले से लिख सकते हैं, मतलब जो मार्केटिंग में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली हो आप उनके ऊपर लिख सकते हैं और यहां पर कमा सकते हैं। प्रोडक्ट रिव्यूज के ऊपर लिख सकते हैं और प्रोडक्ट रिव्यूज के ऊपर जब आप अपने आर्टिकल्स को लिखते हैं तो एफिलिएट प्रोग्राम में आपको यहां पर बहुत सारी अर्निंग हो सकती है। लास्ट, स्पोर्ट्स के ऊपर आप लिख सकते हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में चल रहा है, इसके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हैं। क्रिकेट का दौर आता है, क्रिकेट के ऊपर लिखें, रग्बी के ऊपर लिखें, मतलब डिफरेंट ऐसे स्पोर्ट्स आपके पास ऑप्शंस हैं कि जिनके ऊपर अगर आप एक्सपर्टीज रखते हैं तो आप इसके ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन मतलब कोई भी वायरल एक ऐसा कंटेंट है जिसको आपके आज के दौर में कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसा वाकया वायरल हुआ है, आप उसके ऊपर ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं ताकि आप डेली बेसिस के ऊपर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर लिखें और आप डेली बेसिस के ऊपर अपने कंटेंट को वायरल करें और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करें। लास्ट, आप किड्स के हवाले से एंटरटेनमेंट आर्टिकल्स लिख सकते हैं और इसी तरह आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे 10 टॉपिक्स हैं कि जिनके ऊपर अगर आप आज ही अपने इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ब्लॉगिंग के सीरीज में कि आपको 5 ऐसे टॉपिक्स दूं कि जिनका सीपीसी इन तमाम से भी ज्यादा होगा, गेस्ट पोस्टिंग के चांसेस भी ज्यादा होंगे और एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके इन तीनों स्ट्रीम से आप इन 5 टॉपिक्स में आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सही मिली है, वैल्यूएबल मिली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट कैसे बनानी है चंद मिनटों में, इसके ऊपर इसी सीरीज के पहली वीडियोस में आपको मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं और अपना ब्लॉग मैच्योर कर सकते हैं, प्रोफेशनल किस्म का ब्लॉग बनाकर इससे भी मजीद अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।